स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल। जो मैंने आपको इससे पहले जो बताया था, वो मैंने आपको एक बेसिक लिमिट का कंसेप्ट बताया था कि उसमें लिमिट का कंसेप्ट होता क्या है। जैसे जो हम पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू टू और कोई फंक्शन गिवन होता है, तो वहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम देखेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है। तो देखो, जब भी कोई फंक्शन आपको गिवन होता है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। अब आपको इस फंक्शन की किसी पॉइंट एक्स टेंड्स टू अल्फा पे इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको कल क्या बताया था और आज वापिस बता देता हूं कि जब भी आपको किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट निकालनी होती है, तो आपको और कुछ नहीं करना होता, इस x की जगह आपको ये अल्फा पुट करना होता है। क्या करना होता है, x की जगह ये f ये अल्फा पुट करना होता है। अब आगे काम क्या रहेगा, यदि ये जो वैल्यू यहां पर आएगी f अल्फा की वैल्यू जो आएगी, यदि वो सिंपल रियल नंबर हुआ, जैसे कि हो सकता है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, इस टाइप से कोई भी एक रियल नंबर मिल गया, तो वही उसकी लिमिट पॉइंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वही उसकी लिमिट पॉइंट हो जाएगी। बट इन केस यदि x की जगह अल्फा पुट करने पर यदि अनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल गई, अब ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या बला होती है, तो देखिए जैसे कि हमने मैंने क्या बताया कि x की जगह अल्फा पुट करो, और अल्फा पुट करने के बाद हो सकता है कि आपको 0/0 टाइप का मिले, हो सकता है कि आपको इंफिनिटी/इंफिनिटी टाइप का मिले, हो सकता है कि आपको 0/0 मिले, हो सकता है कि आपको 1/∞ मिले। ये सारे के सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। तो यदि आपको इसमें से कोई भी एक फॉर्म दिख जाए, तो आपको एक पर्टिकुलर मेथड इसकी जो होती है वो आपको अप्लाई करनी होती है, इसका यूज करना होता है। अदरवाइज यदि सिंपल रियल नंबर मिलता है, तो वही उसके लिमिट की वैल्यू होती है। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि x टेंड्स टू 3 पे हमें लिमिट निकालनी है, और किस फंक्शन की, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक्स की जगह यहाँ पर 3 पुट कर दो, तो x की जगह 3 पुट करने पर 3^2 + 4 होगा, 9+4 होगा, और ये 13 आ जाएगा। ये क्या किया, x की जगह 3 पुट किया, तो देखो यहाँ पर सिंपल रियल नंबर मिल रहा है, कोई भी इस टाइप का फॉर्म हमें नहीं दिख रहा है, तो ये इसकी लिमिट की वैल्यू होती है। बट इन तीनों एग्जाम्पल में देखो, इन तीनों एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे ही मैं x की जगह 2 रखूंगा, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, x की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर होगा 4-4, नीचे होगा 2-2, ये एक तरीके से 0/0 होगी। फिर x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0/0, मतलब यहां पर भी 0/0 हो रहा है। फिर यहां पर x टेंड्स टू इंफिनिटी रखो, तो इंफिनिटी/e^∞, तो ये एक तरीके से इंफिनिटी/इंफिनिटी होता है। देखो यहां पर कोई एक सिंपल रियल नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम यहां पर नहीं कह सकते कि इसकी लिमिट क्या होगी। अब यदि आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या तो 0/0 मिले या इंफिनिटी/इंफिनिटी मिले, तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है वो देखते हैं। तो यहां पर मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। तो एल हॉस्पिटल रूल, देखो यदि आपको x टेंड्स टू अल्फा पे लिमिट निकालनी है, और f ऑफ x कोई यदि फंक्शन गिवन है, देखो 0/0 आने के लिए, 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी आने के लिए फंक्शन कुछ इस टाइप पे होना पड़ेगा, तभी तो हम कहेंगे कि ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो फंक्शन कुछ रेस्टल फंक्शन टाइप का होगा। यदि आप x की जगह अल्फा दोनों की जगह पुट करते हो, और ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आता है, तो आपको और कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है, इस लिमिट x टेंड्स टू अल्फा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है। फिर आप वापिस क्या करोगे, x की जगह वापिस अल्फा पुट करोगे, यदि x की जगह अल्फा पुट करने पर कोई सिंपल आपको रियल नंबर मिले, तो उसकी लिमिट हो जाएगी। बट यदि x की जगह अल्फा पुट करने पर वापिस आपको 0/0 मिले, तो वापिस इसका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, x टेंड्स टू अल्फा पर लिमिट, और f का एक बार तो डेरिवेटिव कर दिया, दो बार डेरिवेटिव कर दो, जी का दो बार डेरिवेटिव कर दो,
वापस x की जगह अल्फा पुट करो, यदि x की जगह अल्फा पुट करने पर सिंपल रियल नंबर मिल रहा है तो वो इसकी लिमिट हो जाएगी, अदरवाइज यदि आपको वापस जीरो का जीरो मिल रहा है तो वापस इसका डेरिवेटिव कर दो। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक आपको सिंपल रियल वैल्यू नहीं मिल जाती, मतलब रियल नंबर नहीं मिल जाता है, तो आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। जैसे कि देखो इसमें x की जगह हमने 2 पुट किया, 0 का 0 आ रही है, तो आपको और कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1, अब x की जगह 2 पुट करोगे यहाँ पर सिंपल वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पर देखो 0 का 0 आ रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 0 का 0 ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, साइन x का cos x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, फिर x की जगह 0 पुट करो तो ये cos 0 मतलब वैल्यू 1 आती है, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, x की जगह इंफिनिटी पुट कर दो तो एक तरीके से 1 बाय इंफिनिटी और ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपको कोई भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे आपको लिमिट दे रखी है तो आप आसानी से निकाल सकते हो एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से कि उसकी लिमिट क्या होगी। और एल हॉस्पिटल रूल कब एप्लीकेबल होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको इस टाइप की इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाए, मतलब जैसे कि 0 बाय 0 है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिल जाए तो आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर दो इनडिटरमिनेंट फॉर्म और मिलते हैं, वो कौन से, 0/0 और इंफिनिटी अपॉन, सॉरी 1^ इंफिनिटी, ये आपको दो अनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलते हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। बट जो मैंने आपको लिमिट का जो कंसेप्ट है एल हॉस्पिटल रूल वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि जिन बच्चों को लिमिट में दिक्कत होती है उन बच्चों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।